अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि सर जी, भाई जी, वकास भाई जी, उसैब भाई जी, हमें रिकमेंड करें कि पिज़्ज़ा और बर्गर्स कहाँ से अच्छे मिलेंगे डीजी खान में। तो पिज़्ज़ा का मैंने बता दिया था, आप लोगों को याद होगा, पिज़्ज़ा का बता दिया था। तो ये ला सिलान्त्रो है ना, आज इसका टेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे अपना रिव्यूज़ इसके अच्छे मिले हैं सोशल मीडिया पर। हाँ, बहुत ही अच्छे मिले हैं, और मुझे नहीं लगता इतने सारे वैरायटीज़ में बर्गर डेरा गाजी खान में कोई और बना रहा है। बिल्कुल भी नहीं, उनका टेस्ट सेम होता है। हाँ, टेस्ट सेम होता है, और एक जिंगर ही है उनके पास, और कुछ नहीं है। जिंगर को बड़ा कर देते हैं, जिंगर को छोटा कर देते हैं, और कुछ भी नहीं करते। तो ये हमने सारे बर्गर्स जो है ना, आज इसलिए स्पेशल वीडियो बनाई है बर्गर्स के हवाले से, ये सारे ला सिलान्त्रो से मंगवाए हैं। अच्छा, प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहीं आप लोग देख लेना, क्योंकि मुझे भी अब सही तरह याद नहीं है साहब, क्योंकि एक ही चीज़ है सारे, इसलिए नहीं पता चला। अच्छा, प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है इनके। अच्छा, ला सिलान्त्रो का नंबर भी मैं दे दूंगा, आप लोग चाहें ऑर्डर कर लें। ये घर में ही बनाते हैं, इनका रेस्टोरेंट नहीं है, तो ये घर में ही बनाते हैं। तो आप लोगों को चाहिए तो ऑर्डर कर लेना आप लोग। तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ उसैब भाई के पास क्या रखा हुआ है। ये है अपना हाइब्रिड जॉ ब्रेकर बर्गर है, और यहाँ उसैब भाई के पास है चिकन ग्रिल्ड बर्गर, और यहाँ हमारे पास है मलेशियन केंटकी फ्राइड चिकन बर्गर, और यहाँ ब्लैक ड्रैगन बर्गर है, और यहाँ जो रखा है ये अपना नैशविले हॉट चिक बर्गर है, और यहाँ हमारे पास है कोरियन स्पाइसी डबल बीफ बर्गर है, और यहाँ हमारे पास ये देख रहे हैं मॉन्स्टर जो आप लोग देख रहे हैं, ये है डबल बुफेलो बर्गर, और ये हमारा आम सा जो जिंगर बर्गर होता है ये वहीं है, और इनका जिंगर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है काफ़ी। और यहाँ देखें ये तुर्कब रोल है, ये हाँ इसकी प्राइस मुझे याद है उसे भाई, ये 300 रुपए का है। बाकी ये फ्राइज हैं, और यहाँ हमारे पास ये इतना सारे बर्गर में ना एक इम्पोस्टर बैठा हुआ है बर्गर में एक रोल आ गया। शुरू करते हैं बगैर किसी इंतजार के, उसे भाई शुरू करें जी। आप कहाँ से शुरू करेंगे? मैं तो लूंगा सीप पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर मैं शुरू कर रहा हूँ काजी अपना। अच्छा, कमेंट्स भी पढ़ेंगे आज चिकन ग्रिल्ड बर्गर अपना। मैं भी यहाँ से अपना चिकन बर्गर जो हमारा नॉर्मल जिंगर बर्गर है वो का ये चिकन ग्रिल्ड बर्गर। बिस्मिल्लाह, देख रहे कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाह। उसका भी कुछ फील हुआ आपको? कभी मैंने बहुत बड़ा बाइट ले लिया मैं वो कभी मुझे जो फील हुआ है ना, बहुत ही जूसी फील हुआ है। आपको हुआ है? बिल्कुल वही है, बिल्कुल जूसी जूसी है, मतलब पता चल रहा है। सॉस की हमें हमेशा शिकायत होती है, अब पहले बर्गर खाने से अपना चिकन बर्गर और ग्रिल बर्गर, वो ये पहला बाइट था, अभी आगे चलते हैं। शिकायत नहीं लग रही इसमें। आ जाओ। अच्छा, सॉस भी हमारे पास यहाँ रखे हुए हैं। ये मुकाबी फुल नीचे से गिर रहे हैं। साहब भाई आ जाएं, चेंज करें, ठहर जाए। आज साहब भाई आपने छोटा दिया है मुझे, भाई खुद ही इंसाफ कर लो। नहीं, इंसाफ की बात अब आ रही है, जो पिछली 10-20 दफा आपने किया हुआ है आज आपने सारी कसरत निकाल ली है तो भाई जिंगर बर्गर मुझे आला लगा है। विकास भाई, आप नॉर्मल जिंगर बर्गर की बात कर रहे हैं, ऐसे ना बहुत ही मुश्किल है। नॉर्मल जिंगर बर्गर जो है ना, वो अक्सर अच्छा नहीं बनाते, लेकिन आपको ये अच्छा लग रहा है, मैं खुद भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है। अच्छा, ये 190 रुपए का था, महंगा नहीं है ज़्यादा। साहब ये तो कमाल का लग रहा है मुझे, जिस तरह आपने कहा है ना, फुल जूसी है, उसी तरह है ये। वकाल भी उतना नहीं है जितना वो था, वो बहुत ही जूसी है।
क्योंकि वो जिंगर है ना उस में। हाँ, इसमें इतना वो नहीं होता लेकिन है मजे का, टेस्ट कमाल है वो गार्बेज साहब भाई। पहले बर्गर में तो मज़ा ही आ गया वो गार्बेज, दोनों नॉर्मल जिंगर बर्गर भी कमाल था और चिकन ग्रिल्ड भी अपना मज़ा आ गया वो गार्बेज साहब भाई। अब आप कहाँ जाना चाहेंगे, कहाँ चलें काजी, आप बताएं, आप बताओ। मैं सोच रहा हूँ अपना ये मलेशियन केंटकी उठा लेता हूँ। आप ये उठाएं फिर, मैं ये उठा लेता हूँ अपना, बीफ भी ट्राई करना चाहिए। इसको हाथ ना लगा ना, मैं कह रहा हूँ आप इसको इसको आखिर में ट्राई करें, इसको लास्ट में ट्राई करेंगे भाई। तो भाई ये है कोरियन स्पाइसी डबल बीफ बर्गर। तो ये मलेशियन केंटकी है। तो भाई लें बड़ा बाइट, तैयार हो वकाल भी। ये मुझे बहुत सारी शक्ल जो नॉर्मल जिंगर बर्गर है ना उसी की दे रहा है, लेकिन फिर टेस्ट ट्राई करता है साहब भाई। होंगी वहीं, लेकिन इसमें सॉस का फर्क होगा, मलेशियन ना वहीं तो सॉस होगा इसमें। इसमें जो रेड कलर का सॉस है ना बताओ, इसमें यही चेंजिंग है और यही सॉस है, देखे पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं, और ये अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बीफ है, सॉस है, और बीच में ये स्लाइस देख रहे हैं चीज़ की, ये वही है और स्पाइसी है, थोड़ा मज़ा आ रहा है खाने में। कभी जो पिछले मैंने चिकन ग्रिल्ड खाई है ना उससे ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है इस टेस्ट इसका नॉर्मल है जैसे यानी होता है। आ जाए फिर एक्सचेंज। लो जी हमारे पास आ गया मलेशियन केंटकी और उसाब भाई के पास आ गया कोरियन स्पाइसी डबल बीफ बर्गर। डबल बीफ आपको कैसे लगा होगा अभी उसाब भाई? मैं कहता हूँ ठीक है, मतलब जूसी जूसी है, अच्छा लग रहा है। चले फिर हम भी ट्राई कर लेते हैं। इसमें जो सॉस है ना वो कुछ और टेस्ट का है ऐसा ना, जो पहले टेस्ट नहीं किया हमने, जबकि वो काफी इंग्रेडिएंट्स भी उसके जिंगर बर्गर के सेम है, लेकिन सॉस की वजह से ना सॉस और है, टेस्ट में बहुत डिफरेंस आ रहा है। भाई ये ओके ओके है मेरे लिए साहब, वो काफी ये मेरे लिए ओके ओके है उसाब भाई। अब आप कहाँ जाना चाहेंगे? ये है हाइब्रिड जॉब ब्रेकर, आप यहाँ जाएं मैं यहाँ जाता हूँ। आधा आधा करने पहले नहीं, अब यहीं पर आधा आधा करें। नहीं नहीं उसाब भाई पक्की बात है, आधा आपको बचा कर दूंगा। अच्छा ये तो भाई ये देख रहे हम, ये भी उसाब भाई मॉन्स्टर है एक किस्म का, ये देख ले फुल हैवी सीन, ये भी मॉन्स्टर है। देखें इस हाइब्रिड जॉब ब्रेकर है, तो चलो भाई अपना जॉब ब्रेक करते हैं। ये देख रहे हो इसमें फलाफिल नज़र आ रहे हैं, फलाफिल हैं अपना कज़बी, इसको बताते सैम जितना मेरा हिस्सा है ना उतना मुझे चाहिए ये, ठीक है उसाब भाई। और फुल सॉस से भरा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी ये देख रहे हैं नीचे गिर रहा है। तो काबी ये मज़े का ही होगा, मैं ट्राई करूँगा काबी फुल। सॉरी भाई आ जाओ। अच्छा काबी आप डिस्क्रिप्शन दे फिर मैं दूंगा इसकी। वो होता है ना एक चीज़ को टेस्ट करोगे बस मज़ा आ जाता है, मज़ा आ गया पहले बाइट में। 10 में से 10 होता है भाई इसमें, तो ट्राई करना पड़ेगा वकास भाई ने 10 दे दिए पूरे। अच्छा इसमें ना जो बीफ और अपना जिंगर का टेस्ट है ना ऐसे मज़े का लग रहा है, और ऊपर से जो इसमें सॉस है ना वकास भाई वो बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा है, और ऊपर से जो फुल जॉब रहकर ही है ऐसे भाई
रख दे पूरा है ना या थोड़ा और मेरा हिस्सा बनता है? नहीं बनता तो भाई आप लोग देख लो, वैसे ये बड़ा है आधे से नहीं है बड़ा आकाश भाई, कितना बड़ा मॉन्स्टर था वो देख। अच्छा अच्छा जी ये ले हूँ साहब भाई, क्या याद करेंगे। अच्छा ये सभी यहाँ का साहब भाई, ये आपने जो जिंगर और बीफ बोला, ये बीफ नहीं है, ये अपना ये है ग्रिल चिकन है। साहब भाई हर बर्गर में एक अलग ही टेस्ट है, ये आपने और क्या है वजह है सॉस की वकाल भी, जो इन्होंने सॉस डाला हुआ है ना हर बर्गर में अलग सॉस है, जैसे उनका नाम अलग अलग है ना, चीज़ें भी उसमें अलग अलग ही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है वकास भाई। अक्सर वो सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़ा बड़ा छोटा कर देता है और नाम चेंज कर देता है। तो वकास भाई मैं ट्राई करता हूँ, आपने इसको 10 दिए हैं, ट्राई करना पड़ेगा, अगर बचे तो मुझे भी देना। नहीं बचता नहीं है वकास भाई। भाई क्या कहेंगे, फुल जूसी, मैं यही कहूँगा वाकई पहले टेस्ट में ना पता कमाल का है, आप कमाल खुद भी देख सकते हैं इसके अंदर भरी हुई है चीज़ें। साहब भाई ये नीचे गिर मैं गिरने नहीं देता किसी चीज़ को हाँ गिरती है तो मेरे मुंह में आकर गिरे हेलो काजी मेरी बोतल ख़त्म हो गई है उस साहब भाई ने अपना पूरा मग ख़त्म कर लिया, मेरे हमला मेरे मग पर हमला कर रहे हैं। उस साहब भाई बच गए हैं 3 बर्गर और काजी पेट भी फुल होता जा रहा है, ये जो मॉन्स्टर सारे बर्गर थे ना हाँ वाकई। अब मैं ले रहा हूँ अपना नैशविले हॉट चिक बर्गर और ये अपना ब्लैक ड्रैगन, ये देखिए जैसे गेम के करेक्टर का नाम हो लेकिन ये बर्गर है ब्लैक ड्रैगन। अच्छा इनका सॉस ना जो बुफेलो सॉस वगैरह है लग रहा है उसे भाई। अच्छा सॉस की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ये उसे भाई बड़ी बात है, तो यूनिक सॉस है इनके सबके अंदर, मतलब आप टेस्ट जो है ना टेस्ट बर्ड्स है वो आपके थकते नहीं है इन सॉसेस से क्योंकि डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है हर बर्गर में। चलें जी ये लेते हैं साहब भाई, चलें वो काले अब एक और टेस्ट बिल्कुल ही और टेस्ट है बाबू। साहब भाई मेरी बोतल है, साहब भाई देखें चीटिंग कर रहे हैं पीने दे वो काली गले में अटक जाएगी। साहब भाई चिकन बिल्कुल जूसी है, जो इनका जिंगर है ना आ जाओ वो काली, ये भी जूसी है लेकिन इतना मजा नहीं आ रहा मुझे इसमें ब्लैक ड्रैगन में। ये हॉट चिकन कमाल गया है, अच्छा चेंज करना होगा अभी। ये अपना मुकाबले मलेशियन केंटकी है ना? नहीं हूँ साहब ये नैशविल है हॉट चिकन। मैं फिर से बोतल आपकी पी रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी पी रहा हूँ अभी, इतना टेंशन है आप। तो जी मेरे पास आ गया ब्लैक ड्रैगन, मेरे पास आ गया नैशविले बर्गर, बाकी टेस्ट हो रहा है बिल्कुल हो रहा है साहब, मुझे ये अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा? मुझे ठीक आ जाओ
आ जाओ सर भाई। इसमें उसका भी अजीब किस्म की सॉस है, कुछ समझ नहीं आ रहा ये है क्या। वाकई दिमाग को समझ नहीं। हाँ। और हर इसका टेस्ट अगर आप ट्राई करें ना, बहुत ही अलग है इससे, इसका टेस्ट बहुत अलग है जो हमने पहले कहा है, उनका टेस्ट बहुत अलग था हर चीज का। और कल मैंने अभी देखा है ये सॉस रखा हुआ है जिसको हमने यूज भी नहीं किया, रखा हुआ है सॉस और भी रखे हुए नीचे जो हमने यूज नहीं किया। अकेला हाइब्रिड, अपना हाइब्रिड तो खा लिया हमने, डबल बुफेलो, ये जो अभी हमने ब्लैक ड्रैगन खाया है इसमें कलर वगैरह होता है क्या? हाँ कलर है ये हाथ ब्लैक बन थी ना, इसमें कलर डलता है, ये टेस्ट सेम होता है सिर्फ कलर का फर्क, कलर का फर्क। हाँ साहब भाई पहले आप बाइट लेते हैं या मैं लूँ? मैं थोड़ा ये अपना, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बाइट कहाँ से लूँ। इसका एक बाइट वका भी ले सकते हैं हम तो कोशिश करते हैं। उसे भाई आप ले सकेंगे? नहीं मैं नहीं ले सकता। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ उसे भाई, एक पूरा बाइट कहाँ से लूँ मैं? नहीं ये छोटी छोटी जगह ना देखे आप। अच्छा आप बता दे कहाँ से लूँ मैं, बता दें हाँ मुझे। बिल्कुल यहीं से ले, यहीं है ये देखें, उसे भाई ने जुल्म क्या किया है ये देखें, जो बड़ा हुआ है वहीं से। अच्छा ठीक है कोशिश करते हैं। ले लिया है काफी, दबा दबा के ना काफी निकाल लिया, देख लें अब टेस्ट कैसा है काफी, यही बता दे रहा हूँ। अभी अभी ऊपर ऊपर जो है ना वो जिंगर का टेस्ट रहा है अभी, हमने खाया भी जिंगर ही है जो आगे ठहरा हुआ था। अब कहूँगा ये जो दिया है ना मैंने बाइट, आ जाओ साहब यहीं से बाइट लें, कमाल का दिखाओ इसको, तुम हाथ में भी वका नहीं पकड़ सकते जैसा है ना देख के। तो चले वकाल भाई ने इतना बड़ा बाइट बताया, लिया कैसे लेते हैं हम भी खुद ले सब ले, अभी गिर रही हैं चीज़ें जो आपने बाइट लिया है ना। उसा भाई आला टेस्ट है, वही बात है अलग ही टेस्ट है। तो भाई सौ बात की एक बात, डेरा गाजी खान में हमने एक पिज्जा को भी एक्सपर्ट बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियोस में जाकर देखें जहां हमने पिज्जे लिए हैं। तो आज बर्गर एक्सपर्ट भी बना रहे हैं डेरा गाजी खान में, ला सिलांत्रो जो है बर्गर एक्सपर्ट है, इससे ऊपर कोई नहीं जा सकता अभी फिलहाल जो हमने टेस्ट किया है सबका, तो ये कमाल के बर्गर हैं ऐसे नो साहब भाई, मेरा तो इनको ऐसे समझे नंबर 10/10 है सबको, थोड़ा हाँ बीच में आ गया है कुछ एवरेज, लेकिन ओवरऑल देखा जाए साहब भाई कमाल, ओवरऑल बता भी अच्छा है कमाल, बीच में एक दो बर्गर ऐसे थे जिनका टेस्ट मुझे ठीक नहीं लगा, ओवरऑल बता दूँ कमाल है भाई। रिवायत के मुताबिक सबसे पहले कमेंट आया है नोवा ओपी का जिसने लिखा है फास्ट, और इसके बाद आया है एसईओ एक्सपर्ट का जिसने लिखा है फास्ट पोव यू, असल में ये लिख रहे थे लव यू पोव यू लिखा, लव यू टू भाई, सबका बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए अब आते हैं सवालों पर, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम इम्पोर्टेंट ही सवाल उठाएँगे। अच्छा जी ये एक बंदे का कमेंट नहीं है, क्योंकि पिछले जो हमने वीडियो में बताया था कि हम मदरसे में पढ़ते थे, तो काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि आप हाफिज़ हैं, आप लोग हाफिज़ हैं, तो मैं हाफिज़ हूँ, उसैब भाई हाफिज़ नहीं है, उसैब भाई ने नाज़रा पढ़ा है, मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है। तो ये अब सब के सवालों का मैंने जवाब दे दिया जिसने कॉमेंट किया था। नेक्स्ट कमेंट मनोज सोनी ने किया है, भाई जान आपका एक वीडियो पे कितना खर्च हो जाता है? तो जो खर्च होता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, मतलब आप देखेंगे हर वीडियो में, पिछली कोई 5-6 वीडियो से हमने ये स्टार्ट किया है, पहले का नहीं बताते थे, तो हमारा मुख्तलिफ होता है, कभी 3,000 कभी 4,000 कभी 5,000 पर भी चला जाता है, मतलब 3,000 से कभी कम नहीं हुआ ये समझ लें आप। अच्छा जी नेक्स्ट कमेंट जो है रहमत खान
एस यू और आगे कुछ नंबर है उन्होंने किया है। लव यू वकास भाई, आपने सऊदीया में कितनी उम्र गुजारी है, क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देना। तो हम उसे भाई तकरीबन सात आठ साल रहे हैं वहाँ पर। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो गई है और मुझे कुछ ख़ास सवाल नहीं लग रहे, वही सवाल हैं जिनका जवाब हम पीछे दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।